के मुताबिक ये रोशनदान वगैरह रखे हुए थे पहले किसी दौर में। ये बड़ी तंग और बड़ी मुश्किल ड्राइव है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। लेकिन जो अपनापन और जो खूबसूरती इन इलाकों में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। बड़ी तंग गली है ये, अभी खुली गली है, ये देखो बहुत छोटी। ओए होए होए होए, ऐसे तो इलाके भी देखे जी। बहुत ही पुराना जी, बड़ा ये बड़ा अच्छा सफर रहा हमारा। ये समझ से बाहर है इलाका, जिसको पता नहीं ना वो तो फंस जाए, यहाँ वो फंस जाएगा। सलाम अलैकुम। ये मस्जिद है ये सामने माशाल्लाह। अच्छा मस्जिद माशाल्लाह, बड़े बड़े खूबसूरत बहुत है। अच्छा अच्छा बस ठीक है जी, अब निकलते हैं। बस इन लोगों के लिए इतनी वैल्यू नहीं रही ना इसकी। हाँ ये तो बेचारे, ये बड़ी तंग और बड़ी मुश्किल ड्राइव है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। बिरादरी है हमारी जी, बिरादरी है ये हमारी। अच्छा माशाल्लाह, हम भी कसाई हैं ना। हाँ लेकिन हम लोग यहाँ से, हमारे वालदेन काफ़ी टाइम पहले इधर से छोड़ गए थे। अच्छा तो हम चले गए थे जरा साइड में। अच्छा आज मैं फिर वो हो सकता है मैं आपको अपने दादा और उनका घर भी दिखाऊँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है। ये भी अंदर एक क्या जा रहा है, क्या जा रहा है अंदर मकान है सारे। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा उस जमाने में गाड़ियों का कॉन्सेप्ट तो था नहीं। मकान है अच्छा।
ये कहाँ आ गए हम? ये दिल्ली गेट चौक पे आ गए। दिल्ली गेट चौक। ये पुराना बचपन का झूला आए आए। इन्हीं में खुश हैं बच्चे। इन्हीं में खुश हैं ये बच्चे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पुराना इलाका है आपका? पुराना इलाका। अच्छा, सारा पुराना इलाका। ये आगे तो पार्क गेट खोनी बुर्ज था ना? वो पार्क गेट खोनी बुर्ज इधर है, पार्क गेट उससे आगे। अच्छा अच्छा। और ये पीछा क्या है? ये हमारी लाल मस्जिद पूरे इलाके में मशहूर है दिल्ली गेट के अंदर। अच्छा माशाल्लाह। वाह 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 वाह। एक मिनट में आपको। हाँ जी बिल्कुल। जनाब अंदरून मुल्तान में हम आए हैं जी अली रज़ा साहब की रिहाइश पे। तो बहुत पुराना बहुत खूबसूरत इलाका है। आजकल के जो जो नई मकानात में जो बेशक वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन जो अपनापन और जो खूबसूरती इन इलाकों में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। यहाँ से हमारा रास्ता स्टार्ट है। वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर। ये हमारे पुराने रास्ते हैं जी, इधर से मुकम्मल इस तरफ हो गया। आप देखें ये ऊपर जा रही है, तकरीबन दो मंजिलें ऊपर है ये रास्ता। अच्छा। आए आपको आगे दिखाएं। जी जी जी। पुराने लिहाज के मुताबिक ये रोशनदान वगैरह रखे हुए थे पहले किसी दौर में। ये सीढ़ियाँ घर की। अच्छा, ये एक और घर है। ये इधर से बंद किया हुआ गेट। अच्छा, बंद किया हुआ। ये ऊपर इधर भी घर है, इधर भी घर है, ये सारे ऊपर भी घर है। अभी रिहाइश तो नहीं इधर? इधर रिहाइश है अभी। ये है जी जी। अच्छा जी। इनके नीचे भी तहखाने भी हैं। अच्छा, तहखाने हैं इनके नीचे, लेकिन अभी जाता कोई नहीं होगा। ये सारे यानी के ताया चाचा वगैरह हम सारा इकट्ठे ही इधर, कोई गैर बंदा अंदर रखा नहीं था। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई? ये जी हम अली रज़ा साहब के पुराने इलाका है उसमें घर में दाखिल हो रहे हैं। ये जी पुराने ख्यालात के मुताबिक ये चीज़ें बनी हुई थी पहले। ओके। अच्छा अच्छा। ये जी पुराने जो घर बना करते थे उस ज़माने में, जो शतीर हैं वो लोहे के गार्डर डाल के उसके ऊपर लकड़ी या ईंटों का की चुनाई करके वो छतें बनाई जाती थी। अच्छा, घरों की हालत उसी तरह ही है तकरीबन? उसी तरह ही है तकरीबन, अभी कोई इसमें चेंजिंग नहीं आई। ये जिस तरह छोड़ के गए थे हमारे दादा वगैरह जिस तरह के आए थे इधर, तो इसी हालत में अभी तक कंडीशन सारी। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। ये हमारा ऊपर सीढ़ियों का रास्ता है। देखें जी ये लाइन से यह मकान आता है। हमारा अपना साथी है। अच्छा, अभी बड़े अरसे बाद एक पुराना कदीम घर जो है वो देखने को मिला है। बड़ी एक मुसर्रत है यहाँ दिल में, एक बड़ी वो कहते हैं ना सुकून है, इत्मीनान है इन घरों में। आजकल के जो बड़े बड़े घरों में आप लोग रह रहे होते हैं वहाँ ठीक है, फैसिलिटीज़ आप ले रहे हैं, नयापन होना चाहिए, लेकिन इस इलाके में आके एक जो प्यार मोहब्बत और जो खूबसूरती, जो हमारी सकाफत हमारी तहजीब की खूबसूरती है, उसका उसकी एक झलक नज़र आती है। आप यानी कि अबू के चाचा आई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए जी, बड़ी बातें याद होती है। अच्छा, बाबू बाबू मैं अली जी, अली रज़ा साहब के
एक बुज़ुर्ग हैं, उनसे हम मुलाकात करते हैं जो इंडिया से जिनका ताल्लुक है, वो भी यहाँ पार्टीशन के बाद माइग्रेट हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। नहीं, कोई इतना हमें ठंड वंड नहीं। हम तो अली रजा भाई बता रहे थे कि सारे आप लोग जो इंडिया से माइग्रेट हुए यहाँ पे, इंडिया में किस जगह थे? इंडिया जी, हम थे क्या नाम है, पन्नौले चुपटे में, नारनौल में, बिहानी में। बिहारी में? बिहानी, बिहानी, बिहानी। फिर बिहानी आ गए थे बाद में, चढ़ाई के अंदर ही। फिर इसमें पान वाले चौपटा था ना बिहानी के अंदर, पान वाले चौपटे में हिंदू मिलिट्री थी, मेरे से बेटे हिंदू मिलिट्री थी सिख, उन्होंने फिर तोप लगा के गोली चलाई, चार तरफ गोली चलाई। तो उस टाइम बग्घी पड़ी थी, पाकिस्तान आए थे हम, तो मैं था तकरीबन, मेरा ख्याल उस टाइम 16-17 साल का होगा। हम दोनों भाई आए थे, बहन वही मर गई थी दोनों मेरी, इंडिया के अंदर। तो हम आए थे चांग के रास्ते, कैंप कैंप में आए, फिर लाहौर सरकारी गाड़ियाँ लगी थी, कैंप में आके बोला जी जिसने लाहौर जाना है लाहौर चला जाए, फिर लाहौर आ गए थे, फिर वहाँ से हम जना मुल्तान आ गए थे। अच्छा, तो यहाँ आते ही मैंने फिर इस मकान को कब्जा कर लिया था, हिंदू के थे, हिंदू थे यहाँ, हिंदू मैंने अपने आँखों से देखे हैं, यहाँ पूजा पत्र कर रहे थे वो नीचे। अच्छा, ये गुरुद्वारा था उनका, इसको धर्मशाला कहते हैं। तो यहाँ से जाने को दिल तो नहीं करता होगा? नहीं बाबू जी, एक दफ़ा ऐलान हुआ था, फौजियों ने ऐलान कराया था गाड़ी के अंदर, गाड़ी नहीं होती फौजी गाड़ी, उसमें ऐलान हुआ था कि वापसी जाना अपने, जब आए आए थे तो उस वक्त लोगों की बग्घी पड़ गई थी। फिर मैंने कहा भाई हम तो नहीं जाए, मेरा दादा जिंदा था, मेरा दादा के साथ मेरा प्यार था, मेरे दादा को किसी ने देखा, मेरे अलावा मेरे बड़े भाई के अलावा और किसी ने देखा मेरे दादा को। मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट टाइम मेरा नवाजी परेजी था, और इंडिया के अंदर जनाबे वाला जनार्दन हिंदू था, जनार्दन हिंदू, उसकी दो घोड़े की बग्घी चला गया था। अच्छा, फिर यहाँ यहाँ आ गए, यहाँ रह रहे हैं, नस्लें यहाँ देखी सारा, बस ये जी पोते पोते हैं। तो अभी यहाँ से तो नहीं जाने को कहीं देखा? अब जी बाबू जी, अब तो रह गए होगा, अब उम्र जी 85-86 साल की उम्र होगी मामूली। माशाल्लाह जी, इनके पोते पोते माशाल्लाह, देख लें कि आप कम से कम माशाल्लाह 50-60 पोता पोती होंगे इनके। हाँ नहीं, माशाल्लाह 50-60 इनके पोता पोती है माशाल्लाह। नस्लें गुजर गई जी यहाँ इस इलाके में, ये लोग इंडिया से आए, बहुत वक्त देखा इन्होंने, बहुत मुश्किलें देखी, मुश्किलें, और पाकिस्तान को मतलब एक बहुत बड़ा असासा है। ठीक है ना जी, तो इंशाल्लाह आपसे बड़ा अच्छा रहा जी, बड़ा मजा आया, रोया बहुत इंडिया से, इंडिया इंडिया था। अभी आपको दिल करता है इंडिया जाने को? नहीं, अगर आपको कोई जाए कि इंडिया अपना घर देखे? नहीं 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 बाबू जी, नहीं करता, मेरा बीच में होया था मेरा प्रोग्राम, पर अब आगे जब है ना पोता पोती पोता रेवती रेवती हो गए, अब सब कुछ मैं भूलूंगा, इन बच्चों के कुछ मैं पूछता हूँ, इन्हें धमका भी लेता हूँ, मैं कुछ भी कह देता हूँ, बच्चे बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला सबको देव उम्र दराज। बड़ा मज़ा आया जी, देखें कितना प्यारी, कितनी प्यारी प्यारी बातें इन्होंने, कितनी मोहब्बत है इतनी अपने मुल्क से, अब इस इलाके से जुड़े हुए हैं ये लोग, और इस इलाके को भी जोड़ के रखा हुआ है इन लोगों ने। चले जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? हसन। हसन, किस क्लास से पढ़ते हो? 5 में। अच्छा, गुड। अब ये हम नीचे उतर रहे हैं जी छत से। ठीक है भाई, हमारे दादा परदादा वगैरह सारे इधर वो चले गए, ये हमारे वाले साहब के चाचा से मिल रहे हैं, ये पुरानी इमारत से अंदर गए। अच्छा अच्छा, ये अबू के चाचा थे। अच्छा, तो हम निकल गए थे इधर से। अच्छा, तो ये रह गए लोग ओके दरवाजे के ऊपर। हाँ दरवाजा, ये दरवाजा आ गया। पान की तलब है तो पान बताएं? नहीं नहीं, पान नहीं, पान नहीं। चलो आप वो पान वाले के शौकीन को दिखाएं।
ये जी यहाँ की मशहूर पान की दुकान, अली रजा साहब ने यहाँ से पान लेना है तो हम यहाँ आ गए। जी ये हैं अली रजा भाई, जिन्होंने मुल्तान का वो इलाका जो देखना बहुत ही मुश्किल है, वहाँ पे हमें जाने के लिए उस इलाके का कोई साहब हो तो वो हमें बहुत अच्छी तरह दिखा सकते हैं। लेकिन जिस प्यार मोहब्बत से इन्होंने हमें पूरा इलाका दिखाया और खसूसन अली भाई का घर, वो देख के हमें बड़ा मज़ा आया। वो जी हम खास शुक्रिया अदा करते हैं, इस ब्लॉग का सारा क्रेडिट जो है अली भाई को जाता है। इतना प्यारा इलाका है इन्होंने दिखाया, आप लोगों ने भी देखा। और अगर आप गैर मुल्क इंडिया से या कहीं से हमें देख रहे हैं तो हो सकता है इनमें आपका भी घर कहीं छुपा हो, तो हो सके तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो से रहें आप बाखबर।